हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दलिया की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और प्रोटीन से भरपूर मात्रा में है। ये बेजीज के साथ में मैं बना रही हूँ, जो कि ये गर्भवती महिलाएं या बच्चे जो भी ये खाना चाहे, सभी के लिए बहुत अच्छा है। ये मैं आपको बता रही हूँ, बीन्स है ये, और ये न्यूट्री नगेट, गाजर, टमाटर और ये शिमला मिर्च, जो अभी गर्मियों में जितनी सब्जियां आ रही हैं वो मैंने इसमें डाला है। और सर्दियों में तो बहुत सारी सब्जियां आती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। ये मैंने कुकर चढ़ा दिया है गैस पे, और इसमें देसी घी डाला है। यदि आप लोगों को देसी घी से मतलब कभी गर्भवती महिलाएँ हैं तो उन्हों देसी घी से या कुकिंग ऑयल से किसी भी प्रकार से कोई वॉमिटिंग वगैरह आती है, जो उनको उस टाइम में अच्छा लगे, कुकिंग ऑयल चाहे तो वो कुकिंग ऑयल में भी बना सकती हैं, देसी घी में चाहे तो उसमें भी बना सकती हैं। ये जीरा मैंने उसमें गोल्डन फ्राई होने तक भून लिया है, उसमें हींग डाली है। अब इसमें बीन्स, ये सारी सब्जियां इसमें स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होती है, गाजर, दलिया के काफी फायदे रहते हैं खाने से। दलिया को चाहे आप दूध में भी बना करके ले सकते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके। ये देखिए काफी अच्छा ये बन रहा है, कितना कलरफुल दलिया बनेगा, देखने में भी अच्छा, टेस्ट में भी अच्छा और स्वास्थ्य के लिए भी। ये मैंने धनिया डाला हुआ है, थोड़ा सा क्रंची कर लिए पहले सब्जियों को, फिर ये नमक और ये न्यूट्री नगेट्स की, ये सारे वो मैंने पीस करके डाले हुए थे ये, क्योंकि उनको मैंने साबुत नहीं डाला है, पहले मैंने उसको मिक्सी जार में पीस लिया था वो डाला है। ये हल्दी, धनिया, मिर्चें, ये धनिया डाल दिया है, सॉरी पहले मैंने सबसे पहले जो डाला था वो मैंने न्यूट्री नगेट्स पीस करके डाला था। ये देखिए ये सारे मसाले इसके साथ में भून चुके हैं। दलिए के तो फायदे आप लोग खुद भी जानते होंगे, इससे हड्डियां भी मजबूत होती हैं। जो गर्भवती महिलाएं इसको खाती हैं अपने नाश्ते में या कैसे भी खा सकते हैं वो लोग, डिनर में चाहे जैसे भी, तो बच्चे की भी हड्डियां काफ़ी मजबूत होती हैं और बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। पहले ये दलिए को मैंने पैकेट बंद दलिया, मैंने ये भुना हुआ दलिया है, इसको मैंने अच्छे से पहले धो लिया था। चाहे भले ही वो पैकेट बंद हो, लेकिन हमें हर चीज़ को, खाने वाले को हर चीज़ को धो लेना चाहिए। ये दलिया मैंने डाल दिया है उसमें। अब इसमें ये 4 गिलास भर के पानी जाएगा, ताकि ये अगर रखा रहेगा दलिया तो वो गाढ़ा हो जाता है, और ये थोड़ा सा गीला ही अच्छा लगता है। और जैसा आपका मन चाहे वैसा आप इसको खा सकते हैं बना करके। अगर आपको गाढ़ा खाना है तो आप 1 गिलास इसमें से स्किप कर दीजिए, 3 गिलास डालें। 1 कटोरी मैंने, छोटी वाली कटोरी होती है, वो भर के दलिया मैंने बनाया है। ये दलिया मैंने बनाया है 5 लोगों के लिए, 1 छोटी कटोरी में 5 लोगों के लिए दलिया बनके तैयार हो जाता है। ये देखिए कितना यम्मी बना है, 2 सीटी में बनके तैयार हो जाता है। अगर आप ज़्यादा ही वैसा चाहते हैं तो 2 सीटियाँ और लगा लें और एकदम से घुल जाएगा। ये देखिए आपको सर्विंग के लिए, सर्व करने के लिए मैंने इसमें एक बाउल में डाल दिया है धनिया के लिए, धनिया से गार्निशिंग की है मैंने इसकी। और जैसे आप ऐसा भी आप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। और यदि आप इसमें चटनी और दही के साथ अगर खाना चाहें, आप वैसे भी खा सकते हैं, अचार भी ले सकते हैं। यदि आपको मेरा बनाया हुआ ये प्रोटीन से, विटामिन से और न्यूट्रिएंट से भरा हुआ दलिया अगर आप लोगों को पसंद आया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस आपको प्रॉपर मिलती रहें।
और ऐसे ही आपका जब मेरे को साथ मिलेगा तो मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ों को शेयर करूँगी। देखिए आपके लिए पहला बाइट कितना प्यारा यमी बनाए। थैंक यू।